मित्रों, एक ज्ञापन देने के लिए माननीय अडवाणी जी, गडकरी जी, सुषमा जी के नेतृत्व में हम सब लोग पार्टी के सांसद महामहिम राष्ट्रपति जी से आज मिले थे। विषय ये था कि जिस प्रकार से संसद के संस्था के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ हुई है, देयर हैज बीन अ सबवर्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन। 27, 28, 29 तारीख को लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए यह सत्र बुलाया गया था। कुछ माइनर अमेंडमेंट्स के साथ 27 तारीख को लोकसभा से पारित हुआ। 28 तारीख को यह प्रयास होता रहा कई सांसदों द्वारा सदन में उठाकर भी कि 28 को राज्यसभा में इस पर चर्चा आरंभ हो जाए। लोकसभा में बहुमत सरकार के पक्ष में था, राज्यसभा में गणित सरकार का ठीक नहीं था और विपक्ष ने कई संशोधन दिए थे और एक कॉमन संशोधन जो अधिकतर विपक्षी दलों ने दिए थे, और यह कहना भी सही होगा कि वो दलों ने दिए थे जो राज्यसभा में बहुमत में थे, दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी। पहला ये कि संघीय ढांचे के ऊपर जो प्रहार है, दूसरा कि जो जांच एजेंसी हो और जांच की प्रक्रिया हो उसको निष्पक्ष किया जाए और लोकपाल के चयन और हटाने की व्यवस्था को निष्पक्ष किया जाए। दिन भर चर्चा के बाद प्रयास ये था कि इस पे वोट हो जाए। 28 को चर्चा नहीं करवाई क्योंकि 28 को सरकार प्रयास करती रही कि किस प्रकार से कुछ दलों का समर्थन उनको मिल जाए। 29 को जब चर्चा आरंभ हुई तब भी यह प्रयास था और जब शाम तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास आंकड़े नहीं थे तो सरकार की एकमात्र रणनीति थी कि किसी प्रकार से शोर शराबा करवाना, डिस्टर्बेंसेस करना। ये कंट्राइव्ड डिस्टर्बेंसेस थे और जिसके वजह से सदन को स्थगित कर दिया जाए और वोट न हो। ये सबको मालूम था, मीडिया में पहले से आ रहा था। किनके माध्यम से डिस्टर्बेंस करेंगे ये भी मीडिया से पहले आ रहा था, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। और इस देश में पहली बार हुआ कि वोट से बचने के लिए सरकार ने कंट्राइव डिस्टर्बेंसेस, शोर शराबा संसद में करवाया है। पहले यह बहाना लिया कि 12 बजे के बाद संसद चल नहीं सकती। संसदीय परंपरा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो संसद का दिन होता है वो तब तक चलता है जब तक एजेंडा चलता है, और इसलिए हमने ज्ञापन में वो भी उदाहरण दिए हैं जब जब राज्यसभा 12 बजे के बाद रात को बैठी है और बिना किसी नोटिस के बैठी है, सेंस ऑफ द हाउस देने के बाद चेयर तय करती है कि वो बैठेगी। इन विषयों को लेकर कि एक कानून को पारित किया जाए, मजबूत कानून को, सरकार ये नहीं चाहती थी और उन्होंने संसद को शोर शराबे के माध्यम से अडजर्न करवाया। हमने राष्ट्रपति जी को यह भी कहा कि जो संसद शब्द की परिभाषा है संविधान में, उसमें राष्ट्रपति जी संसद का एक अंग हैं, दोनों सदन और राष्ट्रपति जी, और इसीलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास आए हैं कि संसद की विश्वसनीयता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसके संबंध में सरकार को ठोस सुझाव देकर राष्ट्रपति जी पहल करें और संसद का सत्र दोबारा बुलवाएं, उसमें इसके ऊपर तुरंत जो वोट की कार्रवाई स्थगित की गई थी उसको करवाएं और एक मजबूत लोकपाल विधेयक जिसके माध्यम से पारित हो सके। हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है, उन्होंने हमें कहा कि मैं इसके जितने भी पक्ष हैं उसको मैं एग्जामिन करूंगी। इस मुझे केवल इतना ही कहना था।